अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजेब अहमद और आप देख रहे हैं गाजी एडिट्स। बालम 117 का आगाज वहीं से होता है जहां से बालम 116 का अख्तिताम हुआ था। नयमान उस्मान से कहता है, तुम सोने के संदूक मेरे पास लाओगे वरना तमाम सरदारान को मार दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों सरदार यानी शहर में उस्मान बे के साथ मौजूद होते हैं। कारासी कहता है कि अब हम क्या करेंगे उस्मान बे, जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि हम लड़ेंगे। दूसरी तरफ मलहून हातून कह रही थी, मेरे बेटे को जहर किसने दिया। उस दौरान पीछे से इस्मा आ जाती है और कहती है, मैंने इसे जहर दिया था। ये सुनकर मालहून हातून बहुत गुस्से में आ जाती है, फिर उसे दबोचते हुए कहती है, किसने तुम्हें जहर देने के लिए कहा था। ये सुनकर अस्मा कहती है कि अउची ने कहा था। अउची का नाम सुनकर मालहून हातून हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओरहान धीरे धीरे ठीक हो रहा था और वो अब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी कर रहा था। दूसरी तरफ नयमान अपनी करारगाह में मौजूद होता है और कह रहा होता है, मैं इस सरजमीन को खून से नहला दूंगा। यहाँ सरदारान उस्मान बे के साथ मौजूद होते हैं और पूछते हैं, कौन सी जंग कहाँ है, मैदान कहाँ है। ये सुनकर उस्मान बे कहते हैं, जंग भी यहीं पर होगी और मैदान भी यहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान बे अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ नयमान की करारगाह की तरफ रवादमा थे और उस्मान बे की आवाज गूंज रही थी कि आज जिहाद का दिन है, आज बहादुरी दिखाने का दिन है, आज शहादत हासिल करने का दिन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान बे और उनके सिपाही मंगोलों की करारगाह पर पहुंच जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और फिर उनकी करारगाह को बम धमाकों से उड़ा देते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ी जंग का मंजर सामने आता है। दूसरी जानिब इस्मियान सुल्तान किसी से कह रही थी, जितनी नफरत मैं उस्मान से करती हूँ, इतनी नफरत तुम उस्मान से नहीं करते। ट्रेलर के आखिर में दिखाया जाता है कि उस्मान बे यानी शहर में मौजूद होते हैं और कह रहे होते हैं, अब जिहाद भी मेरा है और फतह भी मेरी। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ ट्रेलर का इख्तिताम होता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ। तब तक के लिए रखिएगा ख्याल अपना भी और अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।